यूनिट वन ऑफ योर चैप्टर. यूनिट वन यानी कि ये दो चैप्टर्स है आपके, थ्री लिटिल पिग्स, फर्स्ट हैप्पी चाइल्ड और हैप्पी चाइल्ड थ्री लिटिल पिग्स, ये दोनों है यूनिट वन में. और इसके साथ साथ अब मैंने आपको आफ्टर माई बात भी कराया है तो उसकी भी रीडिंग करेगा, ठीक है. देन सेकेंड वन, रीड एंड लर्न ऑल द न्यू वर्ड्स फ्रॉम यूनिट वन. यूनिट वन में जितने न्यू वर्ड्स हैं उन्हें आप लर्न करेंगे, ठीक है, याद करेंगे उनके न्यू वर्ड्स. आपको मैंने जितने स्पेलिंग्स कराए हैं ना वर्ड्स के, वो सारे स्पेलिंग्स आपको याद होने चाहिए, ओके. एंड देन थर्ड वन इज डू वन पेज हैंडराइटिंग डेली. इसके लिए आपको अपनी ये वाला काम आप लोग क्लास वर्क कॉपी में नहीं करेंगे, हैंडराइटिंग वाला काम. हैंडराइटिंग वाला काम अलग से आप एक छोटी कॉपी ले सकते हैं फोर लाइंस की, उसमें करेंगे, ओके. मेक अ सेपरेट कॉपी, एक अलग से फोर लाइंस की कॉपी बनाइए. अगर कर्सिव राइटिंग बुक है इट्स वेल एंड गुड, अगर कर्सिव राइटिंग बुक है तो उसी में करिए. लेकिन नहीं, आपके पास कर्सिव राइटिंग बुक नहीं है तो एक छोटा छोटा कॉपी बना लो फोर लाइंस का, और उसमें आप लोग डेली हैंड राइटिंग करेंगे, एक वन पेज हैंड राइटिंग करेंगे. आप उसमें उस हैंड राइटिंग में आप कोई भी चैप्टर आपकी बुक का भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई स्टोरी लिख सकते हैं, कोई पोयम लिख सकते हैं, ठीक है, वन पेज. देन फोर्थ वन, प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क. यहाँ पर आपको आप अलग अलग तरह के मास्क बना सकते हैं, मुखौटा. मास्क मतलब क्या होता है, व्हाट इज मास्क, तो अब ये मास्क किस चीज का बनाना है. यू कैन मेक इट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. आप फ्लावर्स का बना सकते हैं, सनफ्लावर का बना सकते हैं, मैरी गोल्ड का बना सकते हैं, है ना. आपकी चेहरे का मुखौटा जो है फ्लावर्स का मुखौटा बनाना है, मास्क ऑफ फ्लावर्स, ओके. फ्लावर मास्क बनाना है आपको, ठीक है. देन दिस इज फन टाइम, लिसन एंड एंजॉय द पोएम एंड स्टोरी. यहाँ पर आपको दो मैं लिंक भेज रही हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये लिंक है. आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पोएम और एक स्टोरी का वीडियो दिखेगा, वो आप उसको सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट. देखो नीचे जो प्रोजेक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है. इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ फाइल, ठीक है. आपको क्या बनाना है, एक अलग से फाइल बनाना है. ये इंग्लिश की कॉपी में नहीं करना है, आपको ये काम इंग्लिश की कॉपी में नहीं करना है. ये जो नीचे प्रोजेक्ट दे रखा है दो, इसके लिए आपको अलग से फाइल में करना है. किसमें करना है, फाइल में, ठीक है. आपको एक अलग से फाइल बनाना है. फाइल बनाते वक्त ध्यान देना कि वो प्लास्टिक का ना हो, ठीक है. प्लास्टिक के फोल्डर्स नहीं बनाने हैं आपको. आप गत्ते वाले जो फाइल्स आते हैं ना, जैसे ड्राइंग वगैरह के लिए आपने यूज किए होंगे, वैसे वाले जो गत्ते वाले फाइल्स होते हैं उसी का यूज करेंगे. उस पे कवर चढ़ा के आप उसको सजा सकते हैं, उस पे नेम लिख सकते हैं. यू कैन डेकोरेट इट द वे यू विश टू, और अपना नेम, अपना क्लास, रोल नंबर सब लिखेंगे. फिर आपको करना क्या उसमें काम, ड्रॉ और पहला है ड्रॉ और पेस्ट फाइव पिक्चर्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन. आप अपने आप को क्लीन करने के लिए कैसे क्या क्या कर देंगे, जैसे क्या क्या करते हैं बताइए. टू कीप योरसेल्फ क्लीन व्हाट ऑल थिंग्स डू यू डू, हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं. You take your take bath daily, you brush your teeth daily, brushing करते हैं आप daily, है ना, brush your teeth daily, you take bath daily, then you cut your nails, you wash your hands before and after eating food, है ना. तो ये चीजें जो है आप इसकी pictures लगा सकते हैं, इनकी pictures लगाना है आपको, या draw भी कर सकते हैं अगर draw करना आता है तो. क्या if you want to draw you can draw also, नहीं तो आप इसको क्या करना है, दूसरा आपको पेस्ट, पिक्चर पेस्ट करना है. इनका क्या करना है, इनके जो 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 आप क्लीनिंग क्लीन रहने के लिए करते हैं उनके पिक्चर्स आप
पेस्ट करेंगे। और पिक्चर्स आपको चार्ट वगैरह मिल जाता है शॉप पे, आप वो लगा सकते हैं, वो काट के उसको उन पिक्चर्स को लगाएंगे। देन सेकंड वन, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली। कौन से पिक्चर्स को रखने हैं? पिक्चर्स लगाने आपको कि कैसे आप अपने आप को क्लीन रखेंगे। हाँ, हैंड वॉश करते हुए नहाने के पिक्चर्स। तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये आप आपको कहीं से, अगर मैं किसी कहीं इधर उधर मैगजीन वगैरह से मिल जाते तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो इसके लिए चार्ट मिलता है बेटा शॉप में ना, आप जो क्लीननेस चार्ट मिलता है, क्लीननेस चार्ट लेकर के उसको आप लगा सकते हैं, उसके उसमें से पिक्चर्स कट करके लगा सकते हैं। सेकेंड वन, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली। दूसरा है, आपको अपनी फैमिली के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। क्या क्या लिखेंगे इसमें? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? ओके, यू लिव विद, अभी देखो मैम ने आपको लिखवाया भी है कॉपी में, है ना? तो कितने मेंबर्स हैं? इज इट अ बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली? क्या वो छोटा फैमिली है कि बड़ा फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, है ना? हुम विद डू यू लिव विद, किस किन के साथ रहते हैं आप? Who cooks food for you? Family में cook for the family. Who cooks food for the family? Family के लिए कौन खाना बनाता है? इस तरह की चीजें आप उसमें include कर सकते हैं। और आपको 5 lines लिखनी है, किसके बारे में? My family के बारे, अपनी family के बारे। Is that clear to all of you? मैम इसको WhatsApp पे हाँ हाँ मैं व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे, अभी तो मैंने बस समझाया है तो। ओके, सो दिस इज योर हॉलीडे होमवर्क, डू इट इन। और ये जो प्रोजेक्ट वाला काम है, ये दोनों आपको अलग से फाइल बनाना है, ये कंपलसरी है ये बनाना, ये सभी क्लासेस में बनवाया जाएगा। तो आप ये प्रोजेक्ट फाइल, अभी छुट्टियों का टाइम है तो बच्चे दे हैव, यू हैव द टाइम देयर, आप टाइम है तो इसलिए छुट्टियों में ये काम दिया गया है। तो प्रोजेक्ट का ये काम करेंगे आगे, और जो है हम इसमें ऐड, जो फाइल में ऐड कराना होगा बाद में आगे कराएंगे। अभी तक अभी आपको ये दो काम फाइल में करने हैं। ओके, यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन और 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली। ये दो काम आपको करने हैं। आई हैव टू क्वेरीज। आई हैव टू क्वेरीज। हां, ओके, आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क। मैम, लाइनिंग वाले पेज ले सकते हैं या फिर प्लेन लेने हैं? तो आपको लाइनिंग वाले, हाँ, पेजेस आप लाइनिंग वाले ही लीजिए, ठीक है, लाइनिंग वाले ही लीजिए, ताकि क्योंकि आप लोग जब लिखते हैं, आप लोग अभी छोटे हैं, आप लोग बिना लाइन वाले पेजेस पे नहीं लिख सकते प्रॉपरली, है ना? सो राइट इट ऑन लाइनिंग, लाइन पेपर, वन लाइन, सिंगल लाइन पेपर, और यू कैन से टू लाइन पेपर, उस वही लेना है और उसी में करना है, ठीक है? और मैम, हम ये जो अभी फाइल बनेंगी उसी को चलाएंगे या फिर अलग अलग फाइल बनेंगी? नहीं नहीं, वही ये फाइल बनेगी आपकी, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कुछ नहीं, आप एक ही फाइल बनाना है आपको, सारे सब्जेक्ट की एक ही? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स की एक ही। ओके ओके, थैंक यू मैम। वाला काम अभी आपके लिए फर्स्ट, अलग अलग फाइल वाला काम जो आप पूछ रहे हैं वो बड़े क्लास में है, थर्ड से है। अभी आपके पास ये अलग अलग फाइल वाला काम नहीं, आपको एक ही फाइल बनाना है सभी सब्जेक्ट्स में। ओके, वाला काम करना है, वो है सिर्फ वन पेज डेली लिखना है आपको, हैंड राइटिंग के लिए कर्सिव राइटिंग सीखना है। सो फॉर दैट यू कैन राइट, यू कैन मेक अनदर स्मॉल कॉपी ऑफ फोर लाइंस की छोटी कॉपी बना लीजिए, उसमें डेली वन पेज का काम करना है। जब भी छुट्टियां हैं आपकी, है ना, तो आपको सिर्फ वन पेज लिखना है। वन पेज आप स्टोरी लिख सकते हैं, बुक में से देखे, अपनी बुक में, आपकी बुक में बहुत सारे पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, उनमें से बुक में से देख के आप छुट्टियों में सीखेंगे, ठीक है? ओके ओके, आपके पास हैंडराइटिंग अलग से करेंगे, हैंडराइटिंग का काम जो है आप अलग से कॉपी में करेंगे, आप क्लासरूम कॉपी में नहीं करेंगे। और आपका जो फोल्डर, जो आपने फाइल बना, जो बाकी के दो प्रोजेक्ट का काम है, उसके लिए आप अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है?
हाँ।